परवान चढ़ता गया, रिश्ता मजबूती की आहें भरने लगा। सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, चोरी छिपे मुलाकात का दौर भी चलता रहा, मगर इस बात की भनक शाहिना के वालिद और भाइयों को लग गई। नौकर मुसाहिब के साथ बेटी का रिश्ता जरा भी गवारा नहीं था। बात परिवार की इज्जत से जुड़ी थी। शाहिना के पिता ने उसका रिश्ता विदेश में नौकरी करने वाले एक युवक के साथ पक्का कर दिया। जल्द ही निकाह की तारीख मुकर्रर करने की बातें होने लगी। शाहिना पर पहरा और पाबंदियां लगा दी गई। दूसरी तरफ मुसाहिब अपनी मोहब्बत से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इश्क की मंजिल नाकामी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। मुसाहिब का प्यार जुनूनी बन चुका था। जिस इश्क की बुनियाद साल भर पहले रखी गई थी वो हिलने लगी थी। शाहिना किसी और की हो जाए, मुसाहिब को कतई बर्दाश्त नहीं था। मुसाहिब एक आशिक से सिरफिरा बन गया और वो साजिश अंजाम दे डाली जिसका तसव्वुर किसी भी इंसान का जहन दहशत से भर दे। सुनिए जरा। दरअसल बैकग्राउंड में इसका प्रेम प्रसंग है। गांव का ही एक व्यक्ति है पास का, मुसाहिब अली नाम का, दो तीन वर्षों से इस लड़की के संपर्क में था और अभी किसी माह के प्रथम सप्ताह में जब लड़की का विवाह तय हो गया, उसके पिता ने कहीं जाकर के उसका विवाह सुनिश्चित कर दिया और लड़की को दिखा भी दिया। लड़के पक्ष वाले आकर लड़की को देख भी गए। ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में मुसाहिब अली ने आकर के में विश्वास में लेकर के लड़की को ले जाके खेत में, गन्ने का खेत है इसके घर के जस्ट पीछे, वहां पे इसकी हत्या कर दी। ये अभियुक्त जो है वो स्थानीय पुलिस द्वारा रात्रि में ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें अभियुक्त पंजीकृत होकर के जो विधि सम्मत कार्रवाई की। जी हाँ, पुलिस गिरफ्त में खड़े मुसाहिब ने अपनी जान शाहिना की जिंदगी खत्म कर डाली। साजिश के तहत बड़ी बेरहमी से काट डाला। सफेद कपड़े से लिपटी लाश शाहिना की है, जिसकी मौत पर मातम मनाता ये परिवार बदहवास है। शाहिना की माँ, भाई, हर कोई सदमे में है। जिस दर्द की आहट से हर कोई बेखबर था, उसने हिलाकर रख दिया। नाकाम मोहब्बत में लिखी एक आशिक की खौफनाक कहानी कुशीनगर के थाना पडरौना की है। शाहिना पर पाबंदियां थी, मुसाहिब मुलाकात के लिए बोलता, शाहिना इनकार करती। बस बौखलाए मुसाहिब ने शाहिना को धोखा देकर किसी तरह उसके घर के पीछे बुला लिया और फिर मोहब्बत बदनाम कर दी। शाहिना के जिस्म पर चाकू से इतने वार किए कि लहूलुहान शाहिना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो मेरे वहाँ काम करता था और वो बार बार उसे धमकाता रहता था और धीरे धीरे उसकी नई दिखिया बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके उसे लाकर उधर काट दिया और वो हनुमान विद्यालय में पढ़ती थी, इंटर एग्जाम फाइनल का एग्जाम दिया। खुला हुआ था तो बड़े अबू कह रहे हैं कि फाटक बंद है, तो घर में देखे तो शाहिना नहीं थी। तो फिर क्या किया गया कि जगा जुने दुने सबको, जगा सबको लगा ढूंढने। तो पीछे जाते जाते हम लोग देखे कुजौट के पीछे मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, गर्दन पे चाकू लगी हुई थी, चेस्ट पे था, पेट पे था और पीछे ऐसे लगा हुआ था और दुपट्टा ठूसा गया। शाहिना की हत्या से हड़कंप मच गया, घर गलियां खामोश पड़ गई, हर शख्स गमगीन हो उठा। जिस घर से एक बेटी शादी के बाद ससुराल विदा की जानी थी, उसका जनाजा उठाने की बारी जो थी, वारदात अंजाम देकर सनकी आशिक फरार हो गया। पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शाहिना का शव कब्जे में लिया। पीड़ित परिवार के बयान लिए गए। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और तुरंत सनकी आशिक मुसाहिब को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर मुसाहिब की इस करतूत ने इश्क पर दाग लगा दिया, वो पाक रिश्ता हिलाकर रख दिया जो खुदा की नेमत समझा जाता है। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस।
वारदात एक ऐसी साजिश का ताना बाना है जहां सिवाय फरेब के कुछ नहीं था। बंद कमरे का बदनाम रिश्ता, बंद कमरे की खौफनाक कहानी और उसी बंद कमरे का खूनी खेल। दास्तान एक ऐसी बेवफा औरत की है जिसने अपने पति को धोखा देकर नाजायज रिश्ता जोड़ा और अब उसी रिश्ते के अंजाम से सारा शहर हलकान है। देखिए रिपोर्ट। थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर। पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी वारदात जिसकी दस्तक ने पुलिस की नींद उड़ा दी। इलाके का हर शख्स दंग है क्योंकि एक शख्स के खौफनाक कदम से सहमा है ये इलाका। जी हाँ, पुलिस का मेहमान बना ये शख्स कोई बड़ा अपराधी नहीं, लेकिन हालात ने इसे मजबूर कर दिया जुर्म की इबारत लिखने के लिए। सूरज को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तस्वीर सूरज की बीवी छोटी की है, लेकिन आज सूरज ने अपनी बीवी के खून से अपने हाथ रंग लिए। सूरज क्या करता, बीवी बेवफा थी, बदचलन थी। सूरज की बीवी छोटी विश्वास के धागे को तोड़ चुकी थी। जिस रिश्ते की बुनियाद पर सूरज ने भविष्य के सुनहरे सपने संजोए थे, वो बिखर चुके थे। हमारी बीवी हम ऊपर रहे ना, यहाँ आदमी औरत हमारे बैठे रहे तो हम नीचे आए ना, कौन रहे तो कल्लू का देखन भाग तो आए न, तो हम गुस्सा में मार दिया अपने औरत को। मार दिया चाकू से? क्यों? गलत औरत हमारा मानत कभी रहे ना हमारी, ना कुछ कहा मानती रहे। किस बात का कहना नहीं मानती? कोई बात का नहीं मानती। सूरज पेशे से एक किसान था। सूरज की गृहस्थी बिखरने वाली थी क्योंकि जिस दोस्त को उसने अपना समझा वही दोस्त उत्तम सूरज की पीठ में दगाबाजी का खंजर भोंक रहा था। उत्तम को पता था कि सूरज और छोटी के रिश्तों में कड़वाहट खुल चुकी है और इसी का फायदा उठाते हुए उत्तम ने सूरज की बीवी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। छोटी को भी अपने पति का प्यार नाकाफी लगने लगा और छोटी ने सारी हदें तोड़कर वो रिश्ता कायम कर लिया जिसकी इजाजत यकीनन दुनिया का कोई पति नहीं देता। छोटी ने उत्तम से नाजायज रिश्ता कायम कर लिया, लेकिन पति सूरज से कुछ भी नहीं छिप सका। सूरज छोटी को समझा कर थक चुका था। इसी दरमियान छोटी और उत्तम ने राह में रोड़ा बने सूरज को हटाने की ठान ली, लेकिन सूरज ने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर बाजी पलट दी। छोटी का प्रेमी और उसका नाजायज रिश्ता उत्तम तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन सूरज ने छोटी को चाकू से गोद कर मौत की नींद सुला दी। वो हत्या उनके पति द्वारा ही की गई है और पति ने हत्या की है, उसमें जो आला कत्ल था वो भी उसी की निशानदेही पर बरामद हुआ है, वो स्पष्ट हो गया। सर, जो चाकू उसने पहले से प्लान बना रखा था? वो उनके संबंध ठीक नहीं थे और इसने प्लानिंग के तहत ही हत्या की। वारदात की तरह मिलते ही पुलिस ने मौके पर दस्तक दी। आलाय कत्ल समेत सूरज को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की इस वारदात ने साबित कर दिया कि अवैध संबंधों की आंच सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देती। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार प्लस। अगर इश्क करना कोई अपराध नहीं तो क्यों झूठी शान के ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्योंकि बुलंदशहर की ये वारदात समाज की तकिया न्यूसी सोच को उजागर कर रही है। प्यार के दो आजाद परिंदे समाज की उस सोच का निवाला बने हैं जिसकी दस्तक ने मचा दी सनसनी। मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा वगैरह, तो मैं जिंदा रहूंगा जब ही तो चाटो मार।
ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे ये लोग मार देंगे, लड़की के घर वाले मार देंगे। लड़की के घर के ही। माँ बहने बस बिलख रही है, लाडले के गम में बदहवास हो चुकी है। ना कोई आंसू पोछने वाला है, ना ही ढांढस बंधाने वाला। दर्द के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर एक माँ से उसका बेटा जो बिछड़ा है, बहनों से एक भाई हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। अब किस भाई की कलाई पर ये बहने रेशम का धागा बांधेंगी? अब ये माँ किस बेटे को डांटा करेगी? बस अतीत बीते पलों को याद कर ये बेबस परिवार तड़फ रहा है। तस्वीर में दिख रहा ये लड़का लवकांत और दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका निधि गोयल, दोनों इश्क के वो परिंदे जिनकी हत्या कर दी गई। प्यार की सजा मौत सुनाई गई और किसी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। लवकांत की मां चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रही है कि उसके बेटे लवकांत और निधि की हत्या निधि के परिवार वालों ने कर दी। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं मुझे शादी में जाना है, पापा को ले जाइयो। पापा ना जाने के भैया तू चलियो, जो कह रहा मम्मी गाड़ी माँ तक ना जाएगी, मैं जो कह रही जहाँ तू गया हुआ वहाँ तक तो पहुँच गई, माँ तक गाड़ी ना जाएगी, जो बता दो मुझे। तो यो कह रहा दिमाग मत चाटो मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तेरे चाटा मारूंगी। यो कह रहा तो मैं जिंदा रहूंगा जब ही तो चाटा मारोगी मम्मी, मुझे ये लोग मार देंगे। लड़की के घर के ही। हॉरर किलिंग की ये सनसनीखेज वारदात बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद से ताल्लुक रखती है। लवकांत सिकंदराबाद में स्थित काकादेव कॉलेज का छात्र था और उसी इलाके में निधि रहा करती थी। दोनों के बीच एक मुलाकात नजदीकियां बढ़ा दी। देखते ही देखते दोनों का प्यार परवान चढ़ा। लवकांत और निधि ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। लेकिन जब निधि के परिवार वालों को पता चला तो निधि का रिश्ता नागवार गुजरा। तमाम बंदिशों के बावजूद भी निधि और लवकांत के प्यार में कोई कमी नहीं हुई। हर बार की तरह लवकांत बेफिक्र होकर निधि से मिलने गया था, लेकिन अनजान था कि मौत दबे पांव दोनों का इंतजार कर रही है। दिनों से ले आया, बाकी माँ को पता, बाकी बहन को पता, बाकी बुआ को, सबको पता है, सब मिलवाने को ला के रही उसको। दोनों को मार दिया उन लोगों ने। उन लोगों ने मार दिया दोनों को। मेरा बच्चा मुंह से बात करता करता एकदम बंद हो गया, अल्लाह से मच रहा। मैं कह रही उसका सूचो को, मैं कह रही कैसे अल्लाह से मचे, मैं तड़प रही। मैं गाड़ी लेके गई, मुझे वहाँ 3 बजे जब मैं पहुंची हूँ वहाँ होटल में एक भी चिड़िया का बच्चा ना मिला, सब भग गए। लवकांत लापता था, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेकिन अगले ही पल एक खबर ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी। जिस बाइक नंबर के साथ शिकायत दर्ज करवाई गई, उसी बाइक के साथ लवकांत और निधि की लाश रेलवे ट्रैक से बरामद की गई। जो बच्ची है इसका नाम है निधि, सिकंदराबाद की रहने वाली है। तो कल शाम को बच्चा यहाँ से ये बोल के निकला था कि मुझे बीए फर्स्ट ईयर का पेपर देना है आज के लिए। फिर ये गया था वहाँ पे और ये दोनों लड़का लड़की ने एक साथ शादी अटेंड करी थी, उसके बाद रात में दोनों एक साथ निकले थे। तो आत्महत्या की भी इसमें जो है मेन अभी लग रहा है, प्रथम स्टेशन की सुसाइड करा है दोनों ने। दोनों में कुछ ऐसा अफेयर था, दोनों शादी करना चाहते थे। बाकी जो भी चीज़ है उनकी अभी जांच पड़ताल करी जाए।
पुलिस भले ही इस वारदात को खुदकुशी बताए, लेकिन हकीकत क्या है ये तो तफ्तीश के बाद ही उजागर होगा। क्यों? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर